हालांकि कुछ लोगों को यह महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन बॉलीवुड में नायकों की मौजूदा पीढ़ी में से वरुण धवन सबसे सफल अभिनेता है। उन्होंने करण जौहर की 2012 फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के साथ अभिनय की शुरुआत की और तब से 9 फिल्मों में अभिनय किया। अब तक की सभी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया है। 5 साल के दौरान वरुण ने बॉलीवुड में सबसे अधिक विश्वसनीय सितारे के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की है। उनकी कई फिल्मों में प्रतिष्ठित 100 करोड़ क्लब में शामिल होने के साथ अभिनेता ने हमेशा यह सुनिश्चित किया है कि उनके फिल्म के प्रोड्यूसर्स बैंक तक हंसते हंसते जा सके। 2017 में 2 वरुण धवन फिल्मों बद्रीनाथ की दुल्हनिया और जुड़वा 2 रिलीज हुई थी। दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया है। अभिनेता के बारे में ताज़ा खबर यह है कि उन्होंने अपनी फीस बढ़ाने का फैसला किया है। कथित तौर पर उन्होंने अपनी साइन ऑफ अमाउंट में 5 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। वरुण वर्तमान में उनकी पीढ़ी के सबसे अधिक व्यावसायिक रूप से व्यवहारिक अभिनेता है। उनके साथियों में से किसी को भी उनकी जैसी सफलता नहीं मिली है। वह एक सफल नायक है, जबकि उनके राम कालिंग, सिद्धार्थ मल्होत्रा, अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह अपने प्रशंसक आधार को मजबूत करने की तलाश में है। रणवीर वरुण के सबसे करीब प्रतिद्वंदी है और बाजीराव मस्तानी अभिनेता अपने गुरु संजय लीला भंसाली के साथ उनके 3 फिल्मों के लिए अपने मार्केट वैल्यू से कम भुगतान किया गया था। अभिनेता के करीब एक स्रोत से पता चलता है, आमतौर पर वरुण हर फिल्म में 8 करोड़ रुपए का शुल्क लेते थे, लेकिन उनकी फीस बढ़ाने के बाद अभिनेता को अब 13 करोड़ रुपए मिलेंगे। अगर रिपोर्टों पर विश्वास किया जाए तो वरुण के गुरु करण जौहर ही है जिन्होंने उन्हें अपनी फीस बढ़ाने का सुझाव दिया है। अभिनेता की अगली फिल्म सुजीत सरकार की अक्टूबर है।